हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एवीजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार, दानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली एनएएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें एग्जाम देना है एनएएस ओपन बोर्ड से 10th क्लास का, और सब्जेक्ट ले रखा है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसका पेपर कोड है 212। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को 20 नंबर में, जी हाँ यहाँ पर देखिए 20 नंबर में आप लोगों को ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी के शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र बनाकर जमा करवा देना है। इसके लिए आप लोगों को मैक्सिमम 20 नंबर मिलेंगे। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए असाइनमेंट को देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को 18-19 नंबर 100% गारंटी के साथ जरूर मिलेंगे। बस शर्त यह है कि आप लोगों की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कटिंग किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें एग्जाम देना है अप्रैल सन 2021 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2021 के अंदर, यानी कि 2021 का आपका ये असाइनमेंट है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि नए बच्चों के लिए नए असाइनमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस दिए बच्चों, गए मैं आप हैं। लोगों को इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो असाइनमेंट कंप्लीट करते समय। और हाँ प्यारे बच्चों, वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाना है, जिससे कि मैं आप लोगों को इसका पार्ट टू बनाकर दे दूं। अगर 1000 लाइक नहीं होंगे तो मैं इसका पार्ट टू आप लोगों को बनाकर नहीं दूंगा। और हाँ, आप लोगों को इस असाइनमेंट का BN नंबर भी नहीं बताया जाएगा। BN नंबर क्या होता है तो आप लोगों को जैसे पता है, बीएन नंबर हर एक असाइनमेंट का सीरियल नंबर होता है, जिसको हम अपने असाइनमेंट में मेंशन करते हैं और उसके बाद हमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर जिन बच्चों के असाइनमेंट पर बीएन नंबर नहीं होता, उन बच्चों को 7, 8, 9 नंबर तक मैक्सिमम दिए जाते हैं, यानी कि उनको फेल कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को 15 से कम नंबर असाइनमेंट में मिलते हैं तो ये समझ लीजिए आप थ्योरी के पेपर में 90% फेल हैं। बीएन नंबर ये देखिए, यहाँ पर इस जगह पर टॉप पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका असाइनमेंट है, तो यहाँ पर जैसे पेज नंबर है, तो यहाँ पर आपको बीएन नंबर जो आपका होता है, बीएन सीरियल नंबर, वो लिखना होता है। अच्छा, बीएन सीरियल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर दे दूंगा। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, 7678696142। आप उस पर मैसेज कर लें और बीएन नंबर इस सब्जेक्ट का मुझसे ले लें। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, और एक बार मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि दैनिक जीवन के दो उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से ऊष्मीय प्रसार प्रक्रिया को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसका आंसर लिखा है। पहले तो हमने लिख दिया इसका जूल का जो है एसआई मात्रक, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, और उसके बाद हमने पॉइंट वाइज इसके आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो जैसा दिया है आप वैसा इसे बना लीजिए। और एक बात का आप लोगों को और ध्यान देना है कि आप लोगों को असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ इस तरह के प्रैक्टिकल वाले पेजेस पर ही बनाने होते हैं। अगर आपके पास A4 साइज का ब्लैंक पेपर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि आपके पास डेकोरेटिव पेज हो और इस तरह का प्रैक्टिकल वाला पेज हो जिस पर आप इस तरह जो है डायग्राम पेस्ट कर सकें। ये देखिए, ये डायग्राम है उसमें प्रसार को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर आप ये इमेज पेस्ट नहीं करेंगे, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो भी आप लोगों को नंबर कम मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए साइंस के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स का यूज करने की। ये रहा इसका आंसर, और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसको हमने पूरा उतार लीजिए। पहले वाले का आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको तो करना पड़ेगा। ये उदाहरण मांगा था तो हमने उदाहरण भी दे दिया है, यानी कि एग्जाम्पल। ये लीजिए, उतार लीजिए। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, उतार लीजिए। सेकंड वाले का मैंने बी वाला सॉल्व किया है। जैसा कि आपको पता है, एक असाइनमेंट के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होता है, चाहे आप ऑप्शन ए सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बी। तो मुझे वो क्वेश्चन अच्छे लगे जो आप लोगों के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, यानी कि अगर आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को याद करते हैं तो ये समझ लीजिए 30% तो आपका पेपर में भी आएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आप लोगों को दिया है ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाएं, आप लोगों का असाइनमेंट बन जाए और अपने एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये आंसर लिखा है,
अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया था, तो हमने ये पूरा कर दिया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी के तमाम क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट टू के अंदर दिए जाएंगे। और आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप जो है इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 1000 लाइक दे देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। और मैं आप लोगों को 100% आश्वासन देना चाहता हूँ, प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आप लोगों के असाइनमेंट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और यहाँ तक कि आप लोगों को मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और प्रैक्टिकल भी, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी चीज़ें आप लोगों को दी जाएगी, ताकि आप लोग 10th क्लास को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।